अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और रामकथा संग्रहालय में यह बैठक होगी। 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे। यूपी सीएम जा सकते हैं, ले सकते हैं कई अहम फैसले और बैठक से पहले अयोध्या में सुरक्षा भी कड़ी की गई है। तो देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं अयोध्या के अंदर। और अयोध्या में आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी और उसके साथ साथ पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन करने भी पहुंचेगी। तो रामलला के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट वहां पहुंचेगी और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक अयोध्या में आयोजित की गई है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। 12 बजे यूपी कैबिनेट की ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही दीपावली के मौके पर दीपोत्सव जो अयोध्या में आयोजित किया जाता है उसके इंतजामों का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन करेगी पूरी यूपी कैबिनेट। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक अयोध्या में हो रही है। अयोध्या में पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट की बैठक हो रही है। रामकथा संग्रहालय के अंदर ये बैठक आयोजित की जाएगी जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री पहुंच चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। उनका स्थानीय लोग जो हैं वो स्वागत करते हुए और साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो भी अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं तस्वीरों के अंदर। जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो नजर आ रहे हैं। और 12 बजे का वक्त मुकर्रर है यानी अब से करीब करीब 1 घंटे बाद अयोध्या के रामकथा संग्रहालय के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश में जनवरी में रामलला विराजमान होंगे नए राम मंदिर के अंदर और इस मंदिर के निर्माण की समीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर इस आयोजन के संबंध में भी कई फैसले ले सकती है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में करीब 4 घंटे का रहने वाला है योगी आदित्यनाथ का ये दौरा। अपने सहयोगियों के साथ दर्शन और पूजन के साथ साथ सरकार के कामकाज की समीक्षा और महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मंथन और विचार करेगी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं योगी कैबिनेट की अहम बैठक जिसके अंदर कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। अयोध्या में ये बैठक आयोजित की जा रही है। पहला मौका है जब लखनऊ से बाहर अयोध्या के अंदर इस तरीके से बैठक हो रही है। साथ ही अयोध्या में 4 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इसके साथ साथ ही दीपावली के अवसर के ऊपर दीपोत्सव जो होना है उसके लिए अयोध्या में सरयू के घाट पर जो तैयारियां चल रही हैं उनकी भी समीक्षा सरकार के तमाम वरिष्ठ नेता और मंत्री करेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बस में सवार होकर पूरी उत्तर प्रदेश कैबिनेट इस समय अयोध्या में नजर आ रही है। तो अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जहां बैठक कर रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ में रामकथा संग्रहालय के अंदर यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इन तस्वीरों के साथ ही अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं यानी ऐसा कहा जा सकता है यूपी कैबिनेट का राम दरबार आज अयोध्या में होने जा रहा है, लेकिन क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन से वो फैसले हैं जो आज कैबिनेट की टेबल पर होंगे? देखिए बिल्कुल प्रणय, आज अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 9 नवंबर 2023 है। पहले तो ये बता दें कि 9 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है। 9 नवंबर 1989 को पहली बार राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास संतों द्वारा किया गया था। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर का फैसला हिंदू पक्ष में किया और आज फिर 9 नवंबर 2023 है अब कैबिनेट होने जा रही है। जहां पर हमें पहले तस्वीरें दिखा देते हैं, यहीं पर रामकथा अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय आर्ट गैलरी है जहां पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट अब से आधे घंटे के अंदर शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुँच चुके हैं। अब वो रामकथा पार्क हमारे ठीक दाहिने तरफ प्रणय स्थित है जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। सारे मंत्री वहां से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, अयोध्या के राजा हनुमान जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद वहीं से रामलला के दर्शन करके यहीं बस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के 22 कैबिनेट मंत्री दोनों डिप्टी सीएम समेत यहां पर आएंगे। 2 दर्जन प्रस्ताव हैं अयोध्या में आज धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक एजेंडे को धार देने की कोशिश योगी सरकार कर रही। तो आज कई सारे बड़े फैसले पर्यटन विभाग के होंगे जो अयोध्या को काशी से जल मार्ग से जोड़ने की कवायद है। अयोध्या से सभी राज्यों में बस चलाने की जो परिवहन विभाग की है, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे हैं, उनका डिपार्टमेंट है। महिलाओं से जुड़ी मिशन शक्ति से लेकर उनका विभाग है। नगर विकास है, आवास विकास है, कई सारे लगभग 2 दर्जन के आसपास बड़े प्रस्ताव होंगे। और क्योंकि आज यहाँ
कैबिनेट होगी पढ़ाया, कैबिनेट के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी अयोध्या, चूंकि खुद वो राम भक्त हैं, अयोध्या आंदोलन से उनकी जो गोरक्षा पीठ है वो लगातार जुड़ी रही, तो योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, रामलला और हनुमान जी के दर्शन के बाद यहीं पर आएंगे जहां पर कैबिनेट होगी। दो दर्जन प्रस्ताव हैं जिसमें जो है सभी विभागों के जो अयोध्या में 35,000 करोड़ की जो परियोजना। बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से आप तिथि और स्थान के अहमियत के साथ साथ बता रहे हैं कि अयोध्या को आज कुछ खास मिलने जा रहा है, दो दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बस के अंदर सवार हैं खुद मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ पूरी कैबिनेट, यानी ऐसा देखा जा सकता है कि बड़ा लाभ लश्कर अलग अलग वाहनों की बजाय एक ही वाहन के अंदर सारी जो कैबिनेट है वो सफर कर रही है, वो जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, हनुमानगढ़ी के दर्शन है, रामलला के दर्शन का भी कार्यक्रम है इसके अंदर, तो क्या कुछ कार्यक्रम उसका रहने वाला है, क्योंकि 4 घंटे का केवल ये दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए बिल्कुल पढ़ा है, सीधे रामकथा पार्क में आए हैं मुख्यमंत्री, वहां से हनुमानगढ़ी जा रहे हैं जहां पर राजा हनुमान का, अयोध्या में जब कोई भी आता तो सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करता है, वहां दर्शन पूजन करेंगे और वहीं से फिर उसी बस में बैठकर गेट नंबर 11 जो राम जन्मभूमि पे राम मंदिर में जाने का एक नया गेट बनाया गया है राम जन्मभूमि थाने की तरफ, तो उस गेट नंबर 11 से राम जन्मभूमि परिसर के अंदर दाखिल होंगे, वहां दर्शन पूजन होगा और सभी मंत्री जो निर्माणाधीन राम मंदिर बन रहा है वहां भी जाएंगे, वहां भी थोड़ा सा देखेंगे घूमेंगे क्या किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसे 22 जनवरी को इसका जब गर्भगृह में जाएंगे भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर देखेंगे और वहीं से बस से सीधे यहां आएंगे। अजी संक्षेप में जरा ये भी बताइएगा, सरयू पर होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या मुख्यमंत्री भी वहां जायजा लेने जाएंगे, क्योंकि अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया भर में अब मशहूर हो रहा है। देखिए बिल्कुल, अभी उनका जो मिनट टू मिनट है उसमें दीपोत्सव का जायजा लेने का नहीं है, लेकिन हाँ समीक्षा बैठक का है दीपोत्सव को लेकर, यहाँ जब कैबिनेट खत्म होगी तो अधिकारियों के साथ भी उनकी समीक्षा बैठक है, क्योंकि उसी रास्ते पर पड़ता है जहाँ से राम कथा पार्क से निकलेंगे, ठीक राइट साइड में राम की पैड़ी पड़ती है, तो बस के माध्यम से वो घाट घाट कई जगह। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत, आप नजर बनाए रखें इस खबर से जुड़ा, जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। जी न्यूज़।